हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुंबई विजेस पंजाब के बीच में जो मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। तो फाइनली अगर हम लोग देखें, दोनों टीमों के लिए ही ये जो है लगभग डू और डाई मैच है। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं दोनों टीम की प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में। तो मुंबई लास्ट 3 में से जो है एक मैच हारी है, वहीं पे पंजाब जो है लास्ट 3 में से 3 मैच ही हार चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, दोनों ही जो है पिछला मैच जो है हार के ये मैच खेलने वाले हैं और दोनों के लिए ही डू और डाई मैच होने वाली है। और दोनों ही टीम चाहेंगे उनके जो है बेस्ट प्लेइंग 11 जो है के साथ वो लोग खेलें। तो फ्रेंड अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी मैच के बारे में ड्रीम इलेवन टीम न्यूज़ एंड एनालिस करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले प्लेइंग 11 देखने के लिए आपको जो है मेरी एप्लीकेशन, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ड्रीम इलेवन की टीम भी ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पास यहाँ पर जो है प्लेइंग 11 की लिस्ट आ जाएगी। ईशान किशन, JP रुमिनी, रोहित शर्मा, एविन लुइस, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, बेन कटिंग, मिचेल मैकलेडगन, जसप्रीत बुमराह, मयंक मारखांडे, ये रहेंगी MI की प्लेइंग 11। और पंजाब की प्लेइंग 11 होने वाली है लुकेश राहुल, मयंक अग्रवाल या फिर युवराज सिंह को फिर से मौका मिल सकता है, करुण नायर, क्रिस गेल, अरुण फिंच या डेविड मिलर, या फिर दोनों भी खेल सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस को शायद घर बैठना पड़ सकता है। वहीं पर अक्षत पटेल, रविचंद्रन अश्विन, एंड्रू टाई, मोहित शर्मा, अंकित राजपूत की एंट्री हो सकती है, वीरेंद्र सरन जो है आउट हो सकते हैं और मुजीद भी जो है अभी लगभग जो है रिकवर शायद नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छी विन करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टीम देखेंगे तो टीम में आपको जब बताऊंगा तो मैं आपको कुछ अपडेट करता जाऊंगा। तो स्मॉल लीग के लिए आपके लिए लुकेश राहुल और ग्रैंड लीग में जो है ईशान किशन आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। वहीं पे बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इवन लुइस, और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पर करुण नायर को लिया है। तो आप जो है क्रिस लिन के साथ जा सकते हो, अरुण फिंच के साथ जा सकते हो, या फिर आप चाहें तो जेविल ड्यूबिनी को आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इनके खेलने के चांसेस पे भी डाउट है। और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो यहाँ पे डेविड मिलर को ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड पिच मैच जो है वो मुंबई में होने वाली है, तो फास्ट बॉलर एंड बैटिंग विकेट होगी, तो आप ज़्यादातर स्पिनर को उतना मत लीजिएगा, ज़्यादातर फास्ट बॉलर लेने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पे जो है हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, वहीं पे कुणाल पांड्या आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, क्योंकि दोनों ही जो है लगभग 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और ऊपर बैटिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऑलराउंडर पे एक सेफ ऑप्शन आपके पास अश्विन, और अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास अक्षत पटेल ही होंगे। इसके अलावा सारे प्लेयर जो है अराउंड रिस्की हो सकते हैं आपके लिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह, एंड्रू टाई, और अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे मयंक मारखांडे को मैंने लिया है। आप चाहें तो अंकित राजपूत को ले सकते हैं क्योंकि शायद वो बिल्कुल जो है अच्छी आपके लिए अच्छी खासी बॉलिंग कर सकते हैं और वो लगभग फिट भी हैं। मुजीब जादरा को जो है वो चोटिल हो चुके हैं, तो शायद इस मैच के लिए वे ये अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप चाहें तो अपने रिस्क पर ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मोहित शर्मा को लिया है, और अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जो है मिशन में करने को उनको ट्राई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन मैंने यहाँ पे लुकेश राहुल को लिया है, वॉइस कैप्टन मैंने यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को लिया है। आप चाहें तो लिविन लुइस और सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हो, या फिर आप रोहित शर्मा को ग्रैंड लीग में जो है कैप्टन बना सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा जो है सेफ, अगर आपके पास एक और सेफ ऑप्शन होंगे वो हार्दिक पांड्या। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।